সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। পাখির চুপ 2021 বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির কর্মসমিতির বৈঠকে সেটাকেই সামনে রেখে বার্তা দিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিজেপির নবগঠিত রাজ্য কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে বক্তব্য রাখেন নাড্ডা। রাম মন্দির ভূমি পুজোর দিন বাংলায় লকডাউন ছিল, এর জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তার অভিযোগ এটি হিন্দু বিরোধী মনোভাবের পরিচয়, ভোট ব্যাংকে রাজনীতি করছে রাজ্যের শাসক দল। 2021 বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকার উৎখাত করার ডাক দেন নাড্ডা। তার আশা আগামী বিধানসভায় সারা রাজ্যে পদ্ম ফোটাবে বিজেপি, বুথ স্তর পর্যন্ত নেতা কর্মীদের কাছে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন নাড্ডা। বিধানসভায় অন্তত 50% ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি। মিত্র, यह सब कार्य जरूर हुआ। राम मंदिर का पूजन भी हुआ 5 तारीख को। एक सदियों से जो हमारे सबकी इच्छा थी, करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर बने, वो 5 अगस्त को उसका शिलान्यास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 तारीख को वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया। करोड़ों की जो इच्छाएं थी उसको कुचलने का काम किया, उसको रोकने का काम किया। और यह अलग बात है कि 31 जुलाई को बकरीद में लॉकडाउन लिफ्ट कर लिया गया। यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, यह इस प्रकार की पॉलिटिक्स जिसमें तुष्टीकरण किया जाता हो, वोट बैंक की राजनीति की जाती हो और एंटी हिंदू माइंडसेट खड़ा किया जाता है, यह है ममता दीदी की राजनीति पश्चिम बंगाल में। हमें खुशी है कि 31 तारीख को लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, अच्छी बात है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन लगाने का क्या अर्थ था? और यह भी मालूम होना चाहिए कि 31 जुलाई के बाद 5 अगस्त आती है, तो 5 अगस्त में लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई और 31 को खोलने की जरूरत पड़ गई। ये अपीजमेंट की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति। मित्रों, मैं भारत प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यों से एक एक से निवेदन करूंगा कि आप इस ममता जी की जो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसको जनता के सामने उजागर कीजिए और जनता को बताइए कि इनको वेस्ट बंगाल की जनता से प्रेम नहीं है, ये राजनीति और विशुद्ध राजनीति करती है अपने कुर्सी के खातिर। ये हमको बताना चाहिए, ये हमको समझाना चाहिए।